आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं कोमल गुप्ता, आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। जल निकासी न होने के संबंध में ग्राम पंचायत अलीनगर केंजरा के बाशिंदों ने दिया जिलाधिकारी को शिकायती पत्र। करीब 6 महीने से मुख्य मार्ग पर भरा रहता है नालियों का गंदा पानी। कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई भी सुनवाई। थाना टूला क्षेत्र के गांव अलीनगर केंजरा के दर्जनों ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर जल भराव की समस्या को लेकर जिलाधिकारी नेहा शर्मा से मिल समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की। फिरोजाबाद शहर से चंद किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस ग्राम पंचायत के मुख्य मार्ग पर नालियों का गंदा पानी भरा रहता है, जिससे गांव को आने जाने वाले ग्रामीण और स्कूली बच्चों को इस दलदल से प्रतिदिन गुजरना पड़ता है। पास में ही संत शिवानंद स्कूल है, जिसमें करीब 800 बच्चे प्रतिदिन पढ़ने आते हैं, जिन्हें इस दलदल से निकलकर स्कूल जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना प्रतिदिन करना पड़ता है। महीनों से भरा गंदा पानी बीमारियों का कारण बन रहा है। उनका कहना था, कई बार शिकायत करने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिससे ग्रामीण में काफ़ी रोष व्याप्त है। अगर शीघ्र ही ग्रामीणों को जल भराव की समस्या से निजात नहीं मिली तो वह भूख हड़ताल या धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। मेरा नाम सत्यचंद यादव है, सदस्य हूँ। और ये गांव में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है। बच्चे निकलने के लिए परेशान है, बुजुर्ग बूढ़े भी निकलने को बहुत परेशान है। 2-3 जगह इसका ज्ञापन भी दे चुके हैं, शिकायत भी कर चुके हैं, आज तक इसका कोई समाधान नहीं। ये परेशानी कब से है? ये परेशानी 6 महीने करीब हो गई। अब मैम से आप मिले हैं क्या? मैम ने क्या भरोसा दिया आपको? अभी भरोसा दिया है, पूछ के बताएंगे, उसके बाद होगा, और नहीं तो फिर दो एक दिन बाद धरने पर बैठेंगे पूरा। कुलदीप यादव। अच्छा कुलदीप भैया, आप यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, किस संबंध में आए? हमारे गांव में 6 महीने से मुख्य मार्ग पर जल भराव के कारण बीमारियां, काफ़ी सारी बच्चों को निकलने में, जो बाहर से लोग रिश्तेदार आते हैं उनको बहुत सारी परेशानियां होती हैं। इस वजह से हमने काफ़ी सीडीओ मैम को और बीडीओ एसडीएम सभी को ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है उसमें। इसके संज्ञान में आज डीएम मैम को हमने ज्ञापन दिया है, अगर यह 2 दिन के अंदर इसकी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम उस धरने पर बैठेंगे। और इसका अपने पूरे ग्रामवासी, इसमें ये नहीं है किसी एक पक्ष का काम हो, इसमें एक स्कूल है संत शिवानंद जीएल में, उसमें 800 बच्चे हैं, वो प्रतिदिन आते हैं और उसमें उनके बैग भीगते हैं, पैर, मतलब उसमें बहुत सारी गाँव की जो गंदगी है पूरी मेन रोड पर भरी रहती है। मैं चाहता हूँ इस चीज़ को कि समय से इसका निस्तारण हो, और जो गाँव की निजी समस्या है इस समस्या को पूरे गांव द्वारा मैडम इसको सही तरीके से मॉनिटर करें।